किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और आज की यह कहानी है एक बूढ़े गिद्ध की एक सलाह पर। तो आजकल के जो यूथ हैं वो कंफर्ट जोन की तरफ भागते हैं, वो लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना चाहते या मुसीबतों का या चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहते। तो दोस्तों आज की यह छोटी सी कहानी है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना होगा। तो एक बार की बात है, गिद्ध यानी ईगल्स का जो झुंड था वो उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वो जो टापू था वो समुद्र के बीचों बीच स्थित था। उस टापू में ढेर सारी मछलियां, मेंढक और कई सारे समुद्री जीव थे। तो इस प्रकार से जो गिद्ध वहां पहुंचे थे उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई भी जंगली जानवर नहीं था। तो ये सारे गिद्ध बड़े खुश हो गए कि अरे वाह, तो हम यहीं रहेंगे, हमें इतना ज्यादा आराम का जीवन और कहीं नहीं मिलेगा। उस झुंड में अधिकांश जो गिद्ध थे वे युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर हम इसी टापू में रहेंगे, कहीं नहीं आएंगे ना कहीं जाएंगे। लेकिन उन सबके बीच एक गिद्ध बूढ़ा भी था। वो जब इन युवा गिद्धों को देखता तो वो चिंता में पड़ जाता और सोचने लगता कि इतना ज्यादा आरामदायक जीवन इन युवा गिद्धों के जीवन पर क्या असर देगा, क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि इनके सामने तो कोई चुनौतियां ही नहीं है, इनको सब कुछ सामने मिल रहा है, तो अगर कभी इन पर कोई मुसीबत आ गई तो ये कैसे सामना करेंगे। उसने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद एक दिन उसने सभी की सभा बुलाई। उसने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन सबसे बोला कि हमको इस टापू पर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं और मेरा ऐसा विचार है कि हम जिस जंगल से आए हैं हमें वहां वापस चलना चाहिए। यहाँ हम बिना किसी चुनौतियों के जीवन जी रहे हैं और ऐसे में अभी कभी मुसीबत आ गई तो हम तैयार नहीं हो पाएंगे। बाकी सारे युवा गिद्धों को लगा कि अरे ये तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, लगता है सठिया गए हैं, और उन्होंने उनकी बात को अनसुनी कर दी। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि अरे ये तो बेकार की बात कर रहे हैं, और वे उसी टापू में आराम की जिंदगी जीने लगे। लेकिन बूढ़े गिद्ध ने बहुत समझाया, लेकिन उन सब ने उसकी एक ना मानी और वो बूढ़ा गिद्ध उन सबको वहां पर छोड़कर चला गया। एक दिन की बात है, उस बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की कोशिश की और सोचा कि क्यों ना उनके पास जाकर देखता हूं कि वे किस तरीके से रह रहे हैं, और वो उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंच गया। टापू पर जाकर उसने जो नजारा देखा वो उसको सहन ही नहीं हुआ। उसने वहां देखा कि सारे गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी, कई गिद्ध लहू लुहान हो गए थे, कुछ घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने, गिद्ध घायल था, उससे पूछा कि ये क्या हो गया है, तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई। तब घायल गिद्ध ने बताया कि भैया आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, ना यहाँ पर किसी का आना था ना जाना था, हम बहुत ही इत्मीनान से रह रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया और उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, वे भी आराम से रह रहे थे और हम भी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं और हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि अब हम किसी भी हालात में उड़ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने हमें एक एक कर मारना शुरू कर दिया, और उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात मान लेते तो आज हमें यह फल नहीं मिलता। तो दोस्तों इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें अपने कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर हम उनका सामना आसानी से नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर हमको लाइफ में सक्सेस पाना है तो हमें कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश नहीं होना चाहिए। खुद को हमेशा चुनौतियां देते रहिए, हमेशा मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहिए, और जब तक आप मुसीबतों का सामना नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।